बात की गलियों इस्लामाबाद की सड़कों से सबको अस्सलाम वालेकुम। आज है 2 अक्टूबर और 2 अक्टूबर मेरी ज़िंदगी का बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही ख़ास दिन है क्योंकि इस दिन अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ही खूबसूरत बेटी से नवाजा। हर नेम इज़ अज़का, तो 2 अक्टूबर उसका बर्थडे है। आज हम उसका बर्थडे जो है ना सेलिब्रेट करने वाले हैं। कि एक दिन मुझे वैसे भी नहीं भूलता क्योंकि जब अज़का पैदा हुई 2 अक्टूबर को तो मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मैं मियाँ वाले के एक हॉस्पिटल है, मुझे वहाँ पर पूरी रात जो है ना बाहर मच्छरों में गुजारनी पड़ी थी। तकरीबन पूरी रात बाहर बैठा रहा मैं, मुझे जो है बड़ी सख्त भूख लगी थी। 12 बजे मैं बाहर निकला हॉस्पिटल से, हर चीज़ बंद थी। मैं कोई ना कोई कैफ़े, कोई रेस्टोरेंट या कोई अच्छा सा होटल एक जो है ना वो ढूंढता रहा, लेकिन मुझे नहीं मिला। मियांवाली का जो मेन बाज़ार था, मैं घूमता फिर मुझे एक कोने में कहीं जा कैफ़े था, नाम भूल गया मुझे उस कैफ़े का। मैं वहाँ दाखिल हुआ तो एक ही वेटर वहाँ पर बैठा हुआ था, बल्कि बैठा क्या सोया हुआ था। तो मैंने जाके उसको जगाया कि भाई कुछ खाने को मिलेगा? उसने कहा जी मिल जाएगा। तो मैं बड़ा ही जो है ना रिलैक्स हुआ। मैं याद है मुझे चिकन कस्तूरी जो है ना उनकी एक ख़ास डिश थी, वो मैंने खाई। चल मामू को पकड़, मांगो मामू को पकड़ना। कहाँ जाना है? झूले में। हाँ आज़का चलो, आज़का आहिस्ता आराम से जाना है। हाँ ठीक है, चलो इस तरफ देखो ना, आराम से। हेलो आज़का, तुझे कहीं नहीं पाई है? हाँ इधर देख, चल रहा भी है नहीं चल रहा। अज़का के फिर पैदा होने के बाद जो है ना फिर बीमार हो गई दोबारा वो, और फिर दो हॉस्पिटल में उसको 2-3 दिन रहना पड़ा। और उसके बाद जो है फिर कुछ बेहतर हुई, फिर उसका जो है ना नाफ का मसला हो गया, फिर उसको इशू हुआ। तो मैं ये था कि मैं यूनिवर्सिटी, स्कूल और घर, मतलब घर उस वक्त मैं डी खान में फैमिली थी मेरी, तो मैं हफ्ते में मुझे 2 चक्कर लगाने पड़ते, एक दिन 2 दिन इधर रह के फिर मसला होता, फिर वापस भागना पड़ता, फिर स्कूल फिर यूनिवर्सिटी। तो मेरे लिए चीज़ें काफ़ी मुश्किल थी। फिर उस फैमिली को मैं इस्लामाबाद ले आया, नाफ की सर्जरी करवाई। और एक टाइम ऐसा भी था जब मुझे लगा था कि अज़का जो है ना शायद ना बच पाए, क्योंकि 1.5-2 साल बहुत ज़्यादा बीमार रही, लेकिन अल्लाह ताला ने करम किया, वो है ना 4 साल की होने वाली है, बल्कि आज 4 साल की हो गई है वो। तो उसका बर्थडे है तो हम साथ ही आए उसका केक लेने, तो अज़का ने फरमाइश की कि जो है ना मुझे झूले लेने हैं, झूले लेंगे पहले और उसके बाद जाएंगे केक लेने। वो सामने जो है ना लगी हुई है झूले लेने में, और मैं यहाँ बैठा हूँ ताकि उसके झूले ख़त्म हो और फिर हम जाएँ केक लें। शाम को जो है ना हमने सेलिब्रेट करनी है उसकी बर्थडे। जो आसपास पड़ोस के बच्चे हैं उन सबको बुलाया है कि मामू और नानू भी आए हुए हैं आसपास की स्पेशल जो है ना बर्थडे सेलिब्रेट करने। चलो ना चलो ना केक लेते हैं, केक। हाँ केक केक ना खाशे केर ले पीछे शाम थी वैसी ना घर जरूर नवात केक कटेश हूँ तैयार क्या शे है थी बात दे हैप्पी बर्थडे। अच्छा चलो ना जुलू ना केक बाद घर बैठू अम्मी आके जल्दी आओ ठीक है। अज़का कितने महीने पे केक ओके क्या सुन चलो अच्छा चलो शाबाश आ जाओ कौन सा लेना है? चॉकलेट केक लेना है? हाँ कौन सा वाला लेना है? ये चॉकलेट है, ये लेना है या ये वाला? वो वाला लेना है। अच्छा चलो ठीक
ठीक है, बस यही कर दें। अच्छा ये नाम लिखना है ऊपर, अर्ज का लिखना है, हैप्पी बर्थडे अर्ज का, ये ऊपर लिख दें। वो नहीं खाना ना, घर में ही खा सो, घर में, ठीक है, घर में ही खा सो ना, ठीक है, घर में ही खा सो ना। अंदर जाके ना आज का नरोला डाल दी गया, भाई मुझे क्या किधर ही खाना है, तो मैंने कहा घर जाए खाएंगे, वो कहते नहीं इधर ही खाना है, तो फिर कुछ और चीज़ें उसको लेके देनी पड़ी हैं, जो है ना बड़ी मुश्किल से जो है ना वो बेकरी से बाहर आई है, अभी भी जो है ना अपने मामों को तंग कर रही है, ये चीज़ हमने लिए फ़ौरन फ़ौर इधर निकाले, उधर इधर इधर ही खानी है मुझे, जो है ना केक वगैरह ले लिया, बस ये वाला दे दें, ये वाला रेड वाला, और एक पार्टी पेपर दे दें, स्नो स्प्रे दे दें एक, और बालून दे दें ये वाला, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, केक भी ले लिया, और उसके अलावा जो है ना ये चीज़ें भी ले ली कुछ, ये वाली इनमें कैप है, पार्टी पेपर हो गया, स्नो स्प्रे हो गया, बलून्स हो गए, ये लो उसका, बस सब कुछ ले लिया उसका, अब चले टोपी की थी हम ना, एक ही दिन टोपी, अब से चलते जो है ना घर, और घर वाले की इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई जल्दी पहुँचे, क्योंकि अभी स्टेज को थोड़ा बहुत हमें सजाना भी है, भाई बर्थडे की तैयारियाँ जो है ना जोरों शोरों से जा रही हैं, मैं और अर्ज का जो है ना वार कराने में लगे हुए हैं, तो बस थोड़ा सा टाइम रहता है क्योंकि बच्चे बार बार बाहर से आ रहे हैं कि भाई बर्थडे किस टाइम है, बर्थडे किस टाइम, हमने कहा सबर करें सबर करें, तो बस अभी तैयारी जा रही है, ये हम इसको सेट करना है यहाँ पे, और फिर जैसे बच्चे आते हैं तो शुरू करते हैं। बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, इनके बच्चे उस तरफ जो है ना लगे हुए हैं सेलिब्रेट करने में, और ये अकेले बैठे हैं बिल्कुल, किसको? हाँ अभी उन्होंने खवा ना यार खवा,
जो सेलिब्रेशन थी हो चुकी है। तमाम बच्चों ने, हमारे जो आस पड़ोस के बच्चे हैं वो सारे आए, उन्होंने जो है ना असगफ की बर्थडे बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट की और खाना शाना खाया, केक शेक खाया, और हम सब बच्चे जो है ना अपने अपने घरों की तरफ जो है ना रवान रवान हैं। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, उम्मीद है आपको ये व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ। स्टे ब्लेस्ड एंड फ्री हमारे।